अभिनेत्री कैटरीना कैफ और अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा को जितनी मेहनत अपनी आने वाली फिल्म बार बार देखो के प्रमोशन में करनी पड़ रही है, शायद उतनी उन्होंने फिल्म की शूटिंग में भी नहीं की होगी। आईजीआई एयरपोर्ट पर कैट और सिद्धार्थ प्रमोशन में इतने मशगूल हो गए कि एयर इंडिया को दोनों कलाकारों को डिबोर्ड करना पड़ा। बताया जा रहा है कि बीते सोमवार कैटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत चार लोग आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर पहुंचे थे। मुंबई के लिए जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-317 का बोर्डिंग पास लिया और सिक्योरिटी चेक कराने के बाद इंटरनेशनल सिक्योरिटी होल्ड एरिया में पहुंच गए। लेकिन अचानक फिल्म के प्रमोशन का ऐसा फितूर चढ़ा कि बिना इजाजत लिए कैट और सिद्धार्थ अपनी आने वाली फिल्म बार बार देखो का प्रमोशन करने लगे, जिसके बाद लगातार कई कॉल के बावजूद दोनों कलाकार बोर्डिंग के लिए नहीं पहुंचे। एक तरफ फ्लाइट के समय पर असर पड़ रहा था तो वहीं फ्लाइट में मौजूद कई पैसेंजर्स इस मामले पर शिकायत करने लगे। आखिरकार एयर इंडिया ने दोनों कलाकारों को डिबोर्ड कर फ्लाइट को मुंबई के लिए रवाना कर दिया। आपको बता दें कि फिल्म बार बार देखो 9 सितंबर को रिलीज होने वाली है और इस फिल्म में सिद्धार्थ और कैटरीना पहली बार एक साथ नजर आएंगे। वाकई में यह बात समझ से परे है कि देश विदेश में घूमने वाले बॉलीवुड के सितारे अपने ही देश में सारे नियम कायदे क्यों भूल जाते हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।